चंदन, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अपराध में राजस्थान नंबर वन पर है। कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। बेनीवाल की ओर से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले सर्वे करते हैं, सभी सर्वे फेल हो जाएंगे। तो हनुमान बेनीवाल ने जमकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा। अब तो जब हम लोकसभा चुनती बैठते हैं वहां पे तो लोग कहते हैं अपराध राजस्थान में हुआ होगा। एक जमाना था कि हम अपराध के अंदर 23वें पायदान पे थे, आज अपराध में राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार को आगे छोड़ता हुआ नंबर एक पे आ गया। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान में वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिम्मेदार है, जिन्होंने 1998 से लेकर 2023 25 साल तक राजस्थान के अंदर शासन किया, मिला जुली का खेल रहा। मुझे अच्छी तरह याद है 2008 के अंदर जब अशोक गहलोत की सरकार पड़ी थी तब इन्होंने कहा था कि 90B के वसुंधरा घोटालों की जांच कराएंगे, जितने भी भ्रष्टाचार हुए चाहे उनके ओएसटी का कालीन चोरी का मामला हो, चाहे जमीनों का घोटाला जिसमें सिंह और इनका इन्वॉल्वमेंट था, मंत्री थे उस समय यूडीएच के, और 8 में माथुर आयोग बनाने के बाद उसमें कमी रखी और माथुर आयोग की टाइम टाइम फिक्स हो गई। फिर 13 तक चला, 13 में फिर वसुंधरा आई, फिर जो 8 से 13 की सरकार थी उसके लोगों की मदद करी, और 18 में फिर अशोक गहलोत आए जो आपकी एक पूरा बहुमत की सरकार को प्राप्त नहीं था, और फिर बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार करके बीएसपी को तोड़ा, अन्य पार्टियों को तोड़कर लगातार 4.5 साल इन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखी। उनके लिए ये आवश्यक था कि राजस्थान की सत्ता पे वो बैठे रहे, और पायलट के लिए ये जरूरी था कि वो सीएम कैसे बने, इसलिए वो इधर घूमते रहे, अशोक गहलोत सत्ता का ध्यान रखते रहे, विधायकों को मंत्रियों को खुली छूट लूट की दे दी। उसका परिणाम ये हुआ। और खबरों में आगे बढ़े।